हेलो फ्रेंड, मैं आज पास्ता बनाने जा रही हूँ। आपको दिखाती हूँ, ये मैं व्हाइट ग्रेवी का आज पास्ता बनाने वाली हूँ। पास्ता बनाने के लिए मुझे गर्म पानी चाहिए। मैं गर्म पानी कर रही हूँ और ये थोड़ा गर्म हो गया है, थोड़ा और होने देंगे, उसके बाद मैं इसमें पास्ता को बॉयल होने के लिए मिक्स करूंगी। ये भी अच्छे से गर्म हो गया है पानी, इसमें मैं थोड़ा पास्ता डालूंगी। और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी जिससे वो चिपके नहीं है आपस में। वन स्पून अराउंड डालेंगे। अब इसको थोड़ा बॉईल होने के लिए रहने देंगे। बॉईल होना अभी शुरू नहीं हुआ है, 2 मिनट में ये होना शुरू हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये अभी बॉईल होना शुरू हो गया, लेकिन ये पास्ता है ना, मैं ये व्हीट पास्ता यूज कर रही हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये अभी कुक नहीं हुआ है, अच्छे से बॉईल नहीं हुआ है, तो इसको और थोड़ा पकने के लिए रहने देंगे। हाँ, थोड़ा और ये फूलेगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, तो इसको भी और थोड़ा कुक होने के लिए रहने देंगे। ओनियन को मैं कट करके रखी हूँ, इसको भी मैं अभी बॉईल करूंगी। और काजू है, कैश्यू नट, उसको थोड़ा मिल्क में 5 to 10 मिनट इसको सॉफ्ट होने के लिए रखूंगी। और ओनियन को भी मैं बॉईल करूंगी। पानी पहले से मैंने गर्म करने के लिए रखा था, अब इसमें मैं ओनियन को रख दूंगी थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए, है ना, और इसकी स्मेल भी निकल जाएगी। ये व्हाइट ग्रेवी वाली मैं बना रही हूँ, इसलिए ओनियन को भी मैं थोड़ा बॉईल होने के लिए रखी हूँ। इसकी पानी निकल गई है, अब इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालकर मिक्स कर देंगे अच्छे से। ऑयल अच्छे से मिक्स हो गई है, देखिए इसमें शाइनिंग जैसे दिख रही है ना। ओनियन भी सॉफ्ट हो रही है अभी, और थोड़ी सी होगी, इसको अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। ज्यादा पानी में नहीं इसको मैंने किया, जस्ट डूबने के लिए रखा है, ज्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि ये उसकी पानी निकालनी नहीं है, बस इस पानी को यूज भी कर लेंगे, इसी में इसको मिक्सी में पीस लेंगे इसी पानी में, तो अभी बस 2 मिनट में गैस ऑफ कर देंगे। अब ये उबले हुए प्याज को मैं पेस्ट बना लूंगी। अभी ये गर्म हो गया, तेल गर्म हो गया है, और ये जो मैंने ओनियन का पेस्ट रखा था, बॉइल्ड ओनियन को पेस्ट करके रखी हूँ, उसको इसमें डालूंगी। और इसी के साथ मैं थोड़ा ये सोया चंक्स है उसको मैंने बॉईल करके और उसका पूरा पानी अच्छे से निकाल लिया, ये भी डालूंगी इसके अंदर, उसमें प्रोटीन बहुत होता है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा इसमें डालूंगी। और फिर इसको थोड़ा फ्राई करूंगी पिसे हुए प्याज के साथ। अभी ये जो ओनियन था उसका कलर काफी चेंज हो गया है, जो प्याज, है ना, चेंज हो गया। अभी इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि सॉल्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर इसमें थोड़ा मिल्क डाल देंगे, ये मिल्क है उसको इसमें डाल देंगे। अब फिर इसको चलाएंगे, अभी 2 मिनट इसको कुक होने के लिए रखेंगे, 2 से 3 मिनट तक कुक होने के लिए रखेंगे, थिक ग्रेवी होता जाएगा ये। अब इसमें थोड़ी सी गार्लिक जो है उसको क्रश करके डालेंगे। बहुत ज्यादा गार्लिक नहीं डालेंगे, 3 या 4 के लिए, 3 और 4 ही डालेंगे।
गार्लिक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें जो बॉइल्ड पास्ता था उसको मिक्स करेंगे इसमें। इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये जो काजू का पेस्ट मैं जो पहले से बना के रखी हूँ वो भी इसमें डाल देंगे। फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सूखा सूखा है तो आप थोड़ा और मिल्क डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये ठीक है। थोड़ा सा सेमी ग्रेवी टाइप की, बहुत अगर ग्रेवी चाहिए तो आपको थोड़ा और मिल्क डालकर इसको थोड़ा लूज कर सकते हैं। ये अभी अच्छे से आ गया, इसका कलर भी अभी चेंज हो रहा है। अब थोड़ा चीज इसमें डाल ग्रेट करके डाल देंगे। ये सब ना बहुत धीमी आंच में पक करेंगे, लो स्लो फ्लेम में करेंगे, हाई फ्लेम में नहीं। सफिशियंट है, फिर इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा बटर भी डाल देंगे इसमें। एक क्यूब पूरा डाल देंगे इसमें बटर, और थोड़ा मैंने अजीनो रखा है, ओरिगानो, सॉरी नॉट अजीनो, ओरिगानो मैंने रखा है, वो इसमें डाल दूंगी। और एक एक मिनट इसको सर जस्ट मिक्स करेंगे। अभी ये पूरी अच्छी तरह रेडी हो गई है खाने के लिए, भी ये पूरा अच्छे से ये रेडी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज गिव कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।